डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है, इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, लेकिन विश्वकर्मा समाज का बच्चा जन्म लेते ही इंजीनियर पैदा होता है। उसको पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। वो जन्म लेता है तो हथौड़ी पकड़ना सीख लेता है, हथौड़ी पकड़ना सीख लिया मतलब इंजीनियरिंग का पहला पौधा आपको चढ़ गया। चलिए इसके बाद मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छी, धन्यवाद सर का। मैं चाहूंगा कि समाज के जो प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट श्री रवि विश्वकर्मा जी और श्री शेखर विश्वकर्मा जी स्टेज पर आए और सम्मानित करेंगे नरेश विश्वकर्मा जी, खास कर से प्लीज आए नरेश विश्वकर्मा जी, प्लीज आ पाए, फूल माला से स्वागत करिएगा। हाँ नरेश विश्वकर्मा जी से फूल माला से दो शब्द कुछ कह, क्योंकि आप एक अनुभवी है, एक बहुत अच्छे समाज से भी है और अच्छे इंसान भी है, तो सब जय बाबा विश्वकर्मा की। चलिए जब दो शब्द बोले तो दो शब्द ही बोलेंगे। काजुड़ा से हैं, नाम तो सुने नरेश विश्वकर्मा, कोल इंडिया से जुड़े हुए हैं। जब शुरुआत यहाँ भी विश्वकर्मा समाज की जब शुरुआत की बात होता है यहाँ पे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रदीप भैया जो अपने बारे में बताए थे कि एक व्यक्ति का आइडिया यहाँ पे आता है और वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम कहेंगे आपको कि जब यहाँ से बोला गया कि कुछ धनबाद से आए हुए हैं, कुछ खड़गपुर से आए हुए हैं, तो ये सब जब आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या धनबाद से भी जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, खड़गपुर से जो है वहां भी ये भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी एक शुरुआत में एक बात बोला गया कि समाज बना था कुछ विचार का मतभेद होने के कारण, थोड़ा सा दो रास्ता अपना लिए। तो अगर हम लोग धनबाद से, खड़गपुर से, इतना जगह से जुड़ सकते हैं, तो अगर हमारे क्षेत्र में ही, आसनसोल क्षेत्र में ही अगर कोई हमारे समाज के भाई कुछ विचारधारा में अगर अलग है, तो क्या लगता है आपको कि धनबाद से पहले हमको वो जो बगल में है उनको जोड़ना जरूरी है ना, पहले धनबाद को जोड़ना जरूरी है, क्या लगता है आपको? हमारे जो आसनसोल क्षेत्र में ही है जो कुछ विचार से मतभेद है, हमको लगता है हम शुरू में हम सब तीन ये बात है और हम कहते हैं कि उनको भी जोड़ना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। कारण देखिए एक चीज हम आपको बता देते हैं, हमारा एक ही सिद्धांत है कि अगर बहुत, जब यहाँ से बहुत लोगों का नाम बोला जाता है तो जब इधर से गिनती करते हैं तो इधर से एक नंबर आएगा, और हम जब देखते हैं कि हम पीछे बैठते हैं ताकि उधर से गिनती हो तो मेरा एक नंबर आए, ठीक है। और हम हमेशा जब भी हम दोनों विश्वकर्मा समाज में हम जुड़ते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वहां भी हम यही बात बोलते हैं, यहाँ भी हम यही बात बोलते हैं, और हम जो यहाँ पे जो लोग हैं प्रदीप भैया से हम ज़्यादातर विनती करेंगे कि जो भी अपने समाज में जो लोग भाई में थोड़ा सा मन मुटाव है उसको ख़त्म करिए, उसको ख़त्म करिए, ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है बाहर में, बिल्कुल नहीं जा रहा है। कारण क्योंकि ये जो आपका जो हॉल है, ये हॉल भी जगह को नहीं ले पाता, इतना ये यहाँ पे इतना विश्वकर्मा है, इतने विश्वकर्मा है आसनसोल क्षेत्र में, जो आपका ऐसा कोई हॉल नहीं है आसनसोल में जो उस कैपेसिटी को संभाल पाएगा उसको। तो कहीं ना कहीं कुछ है हम लोग में, थोड़ा सा है त्रुटि। और कहता है कि समाज, अगर हम एक आप लोग से एक सवाल पूछते हैं कि हम अपने समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं, कुआं न तालाब न समुद्र, किस रूप में देखना चाहते हैं, थोड़ा सा समुद्र में। तो एक चीज आपको जानिए, इतना समुद्र, हम कहीं से सुने थे कि समुद्र इतना विशाल होने का सिर्फ एक ही रीजन है, क्योंकि वो बहुत नीचे स्तर में है, सबसे ज्यादा झुका हुआ जगह पे है, इसलिए हुआ क्योंकि जितनी भी नदी नाला है वो सब उससे ऊपर में है जितनी भी, और वो सबको एक दिन जाके ढूंढ के उनमें उनके साथ मिलना पड़ता है, इसलिए वो सबसे विशाल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी समाज विशाल हो, समुद्र की तरह विशाल हो, तो हमें भी थोड़ा बहुत झुकना पड़ेगा। अगर हम नहीं झुकेंगे तो शायद हम कुआं, तालाब और नाला बन के हम रह जाएंगे।
तो हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको एक जरा हम कमी नहीं। और हम आपको सच बोलते हैं, हमने यहाँ से बहुत अच्छा बोल के गए, सब कुछ लोग बहुत बोल के गए, हमको बहुत मजा आता है छुटने में, हमको बहुत मजा। हम कभी भी कहीं पे कोई विश्वकर्मा समाज के कोई भी किसी भी तरीका होता, हम बढ़ चढ़ के उनसे परिचय करते हैं, बढ़ चढ़ के अपना बातचीत करते हैं उनसे। हमको नहीं लगता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, उससे कोई मन नहीं करता। तो हम चाहेंगे कि ये एक बहुत बड़े मिशन बनाए, कारण क्योंकि शुरुआत में एक यहाँ पे बोल के कि थोड़ा सा फाका फाका लगता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा फाका ये पूरा भर जाएगा अगर हम लोग आपस में भी सबको एक दूसरे को जोड़ लेते हैं। बस ज्यादा नहीं, दो बात से चार बात बोल दीजिए, इसके लिए माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।